हाय गाइज, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं फार्मेसी कॉम्पिटेटिव। ये जो है आपका क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये है आपका फार्मेसी कॉम्पिटेटिव है। ये ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस, अदर फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है। और देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, यानी ह्यूमन का जो किडनी होता है से किससे फंक्शन करता है। तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन से जो है ये फंक्शन करता है ना। देखिए नेक्स्ट में क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी ह्यूमन, यानी कि जो हार्मोन जो है से सीक्रेट नहीं करता है, यानी कि जो ये सब पार्ट जो है सो यानी कि सीक्रेट नहीं करता है। तो नहीं करने वाला में से ये है स्प्लीन है। ओके, ये सब में से हार्मोन जो है से सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज ओवरी जो है टेटिस है वो। और डी इसका आंसर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी ह्यूमन, ये जो है कह रहा है कि हार्मोन किससे सीक्रेट नहीं होता है। तो इसका आंसर डी होगा, स्प्लीन का। थर्ड में देखिए, द कंजुगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज फॉर द ह्यूमन डेविट डिजीज कोलरा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का डिजीज जो है से कोलरा किससे होता है। तो थ्री का आंसर होगा सी, बैक्टीरिया से होता है कोलरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर में एन इंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन एज बायोलॉजिकल क्लॉक इज, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन बायोलॉजिकल क्लॉक इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, पिनियल ग्लैंड। फाइव में क्या है, द फादर ऑफ मेडिसिन इज, इसमें फादर ऑफ मेडिसिन का जो फादर जो है ये है हिपोक्रेटस है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सिक्स में अस्कार्बिक इज एग्जांपल, इसमें से कह रहा है कि अस्कार्बिक कौन सा इसका डिजीज है। तो इसका भी ये सी है, कॉन्टागेनियस डिजीज। नेक्स्ट में क्या है कि टेम्परेचर स्टोर वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन कितने पे टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है वैक्सीन। थैंक यू।